हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। माँ जी को नहीं लाएंगे, गणपति जी को नहीं लाएंगे, शिव जी को नहीं लाएंगे। और मम्मी आज है नहीं घर पे, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ही मेरी है। तो मैं निला देती हूँ, कान्हा जी को भोग लगा देती हूँ और सब पूजा कंप्लीट कर लेती हूँ। पूजा हो चुकी है कंप्लीट, कान्हा जी को कंप्लीट रेडी कर दिया है। अब मैं बाहर तुलसी माता की और पूर्वज की पूजा कर देती हूँ। पूजा हो चुकी है और अब कर लेती हूँ स्किन केयर। खाना डिसाइड हुआ फाइनली कि चने की दाल बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी, और चने की दाल मैंने बना दी है। आटा गूंथ के रख दिया है, बस अब रोटियाँ बनानी है और दो रोटियाँ बना के फिर जाती हूँ शॉप पर। और आज मेरा फेस बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा है, क्योंकि मैं क्या बता, आजकल दो तीन दिन से आँखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे हैं और आँखों से एकदम थकान ही लग रही है आँखों से। अब ये सब क्यों हो रहा है पता नहीं, पर आँखों से थकान लग रही है। हालांकि बॉडी नहीं थक रही है, पर आँखों से बहुत ज़्यादा थकान लगती है। देख देख के थकान लगती है कि मेरी आँखें थक गई है। अभी मैंने खाना खाया है और खाना मैं थोड़ा जल्दी जल्दी खा रही थी, मेरे को खाना खिला भी नहीं रहा था। एक ही रोटी खाई है और हिमायरा हमारे घर पे आ गई है। और हिमायरा क्या खा रही है, क्या खा लो बताओ, क्या खा लो? कोको। तो अभी इसको चॉकलेट दी है, अभी इसके घर से ही मैं आ रही हूँ। और दूध ठंडा हो गया, अंदर रख देती हूँ। और मैं क्या कह रही थी, यश और विक्को अभी आ रहे हैं तो उनके लिए मैं चाय तो पिता नहीं है। यश तो कल जो पेपर बोट मंगवाई थी वो थोड़ी ज़्यादा आ गई थी, तो मैं निकाल देती हूँ ये। रुको, ग्लास निकाल देती हूँ, फिर ग्लास में भर के रख देती हूँ। वो आते हैं फटाफट पिला के भेज दूंगी। खोल रही हूँ अभी, खोल रही हूँ आज। अरे यार ये रहे, इधर से निकाल, खोल रही हूँ। हाँ खोल रही हूँ, रुको। हाँ यश और विक्कू दोनों आ चुके हैं, विक्कू का तो ग्लास एम्प्टी हो चुका है। यस हाथी वाली है वो बैकपैक के लिए, पर बहुत ज़्यादा दोनों जल्दी में हैं। हिमालू आशु और विक्कू तो गए, और हिमायरा को जूस बड़ा लगा टेस्टी पेपर बोट वाला, तो चूस चूस के पूरा पी गई। और अभी इसके मुंह पे लग गया बहुत सारा जूस, तो साफ करना पड़ेगा। हाजो हाजो हाजू हाजू, यानी मुंह धोना हाथ धोना सब इसके हाजू ही है, हाजू। तो अब मैं चलती हूँ शॉप पे, और किचन तो ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है, पर भाई जी आएंगे तो भाई जी क्लीन कर देंगे। जा ले जा ले बेटा, जा ले मम्मा पास, चलिए जूस लेके आऊंगी मैं शाम को, जूस। ओके वो कैसे चलते हो वैसे, चलो। ये हिमायरा हमारे अभी नया सीखी है, नाराज होके सो जाने वाला। इतना नाराज होने के लिए कौन कह रहा है तेरे को, आना है चल दुकान, चल दुकान रखड़ा वो, बस बुढ़ा वो न के आशिम खान नहीं के, चल अंदर अंदर चल आशिम खान, इधर जो भी आशिम खाएंगे मैंगो ले आशिम नम्बे क्या जी जी, चल है ना, अभी नाटक ना कर, चल यहाँ नहीं जा रही हूँ, घर पे जा रही हूँ। घर पे भी गैलेक्सी खा के आई है, गैलेक्सी भी खाया ही नहीं, कपड़े झिटकती झिटकती जा रही है। हाँ मुँह साफ करवा देती हूँ, ये अभी जा ही रही हूँ मैं, पर ले जाऊँगी चिकू के साथ वापस आ जाएगी वो, तो है ना आशो। मैं नहीं ले जाऊंगी इमी को, हाँ मैं निकाल रही हूँ जूते, आप तो कोई बात नहीं पहन के रखो। अच्छी माँ जाओ आई हूँ मैं, जोल दे जोल दे। हाँ हिम्मी चिकू, चिकू हिम्मी हिम्मी चिकू
सुंदर बंदे अभी खा जाएगा नहीं तो। हमारी हिम्मी ने हाथ धोने में इतनी मादाई कर दी, यानी रोना आ गया, हाथ तो क्या धुलवाए। वो शाशा रे अभी शाशा रे, चुप रे जाओ। ओ तुरंत चुप, पिपी पिपी पिपी, ओ वाओ, स्माइल कर दो, कर दो। ओ मिट्टू भी अच्छा है। नो बेटा, उंगली खा जाएगा उंगली। हाँ कर दो। मिमी ये तूने अभी क्या किया था, रोते रोते हंसना आ जाता है, फिर रोनू आ जादू है, क्या क्या हो जाती है देखो। नो 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 नो, बाबा कह दो, बाबा है, हम जा ले शॉप पे। बोलो, इसको अभी दोपहर की बज रही है 2:30 और अभी तक सोना नहीं है, इसको सिर्फ घूमना है, तो अभी इसको ले जा रही हूँ मैं शॉप पे और वहाँ पर इसको मस्ती करने मजा आएगा। चले। ओके, तो अभी हम जा रहे हैं शॉप पे। और आज मैं आई हूँ सीधा स्टूडियो में। क्यों आई हूँ वो स्टूडियो में जाके पता करते हैं। वाओ, कितनी अच्छी हालत है मेरी स्टूडियो की, यू कैन सी, आप देख सकते हो कितनी अच्छी हालत है। मैं ध्यान ना दूँ तो ये हालत हो जाती है, जो कि आपको अभी दिख रही होगी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जगह जगह पर ऐसे खोके रखे हुए जो कि खाली खाली हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि हम स्टूडियो में क्यों आए हैं। बेसिकली मैं स्टूडियो में इसलिए आई हूँ क्योंकि ये आपको जो इतना बड़ा टेबल दिख रहा है, हालांकि स्टूडियो इतना बड़ा नहीं है जितना आपको दिख रहा है, इतना बड़ा स्टूडियो नहीं है, हमारा छोटा सा स्टूडियो है, बट ये टेबल है वो स्टूडियो में बहुत ही ज़्यादा जगह रोक रहा है। तो इस टेबल को हम कर देते हैं रिमूव यहाँ से, क्योंकि इतने बड़े टेबल की हमको ज़रूरत नहीं है। प्लस साथ में क्या, इसमें स्टोरेज भी कम है, तो स्टोरेज मुझे चाहिए ज़्यादा और टेबल चाहिए थोड़ा छोटा, तो इसलिए हमने टेबल बनवाने का दे दिया है ऑर्डर। सो इसको हम, शांति नहीं है तो इस टेबल को मैं पूरा अभी कर दूंगी खाली, क्योंकि हमको है ना ये टेबल देना है रिटर्न जिन अंकल से हमने लिया था, और उन्होंने बोला कि आपने इतने टाइम से ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया है, तो मैं इसको एक्सचेंज कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, और थोड़ी सी आंखों में जलन भी हो रही है यार, क्योंकि हमेशा ही होती है, जो कि यहाँ पर लकड़ी लगाई हुई है, क्योंकि ये गेट के इस रूम के अंदर कहीं पर भी वेंटिलेशन नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर एसी लगाई थी, जो कि छोटी सी क्यूट सी बड़ी ही प्यारी एसी है। तो मैं फटाफट से करती हूँ रूम को खाली और इस टेबल को बाहर। अब ये सारा एक एक करके हटा देती हूँ, और इतना सामान तो बाहर निकला है, ये एसी भी बाहर निकाल दी है, ये सब चीज़ें मैंने बाहर इसलिए निकाली है। आपको लग रहा होगा सिर्फ टेबल ही तो निकालना है, टेबल ही क्यों ना वो कर दे, पर एक्चुअली क्या रूम है बड़ा छोटा, सो टेबल निकालने के लिए ये सारी आसपास चीज़ें हटानी पड़ेगी। टेबल को तो कर दिया चकाचक, अब इस टेबल को निकालती हूँ बाहर और फिर लगाती हूँ झाड़ू। मैंने वह साथ में पूरा टेबल ही बाहर रिमूव कर दिया, क्योंकि अंदर थोड़ा ज़्यादा स्पेस हो जाए और निकालते टाइम भी फालतू बिखेरा नहीं हो यूँ करके। कैमरे की बैटरी हो गई है लो, सो सारा ही अच्छे से यहाँ पर रख दिया है, ये सारा यहाँ पर जमा के रख दिया है सारा, और ये टेबल को कर दिया यहाँ पर शिफ्ट, और कैमरा आप देख सकते हो, आपको कैमरा पहली बार दिखा होगा व्लॉग में, तो कैमरा यहाँ पर। मैं जा रही हूँ घर पे, क्योंकि भाभी के पापा देने आए हैं शादी का इनविटेशन, तो लेट्स गो। एंड भाभी का कुछ पार्सल भी भेजना है, क्योंकि कल यश और दोनों जने जाने वाले प्री वेडिंग शूट पर, तो अभी घर पर जल्दी से चलती हूँ, और चिकू भी वहाँ पर बिजी है, और क्या पता वैसे से निकल नहीं जाए, जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि पार्सल भेजना है। घर आने के बाद फिर रवि साहब आ गए थे पत्रिका देने के लिए, तो पत्रिका मिल चुकी है, शादी में आने का आमंत्रण है वो हमको, निमंत्रण है वो मिल चुका है, और यहाँ पर हिमायरा और हिया दोनों जने आए हैं। हेलो बोल दो दोनों। हेलो हिमायरा, हेलो, हाय बोल दो, हाय। तो अब हम तीनों जने मिलके बनाएंगे मखाना, तो चलो मखाना बनाते हैं। आयशु मखाना तो हालांकि इन दोनों को खाने हैं, सो मैं गरम कर देती हूँ।
हिया और हिमी दोनों डिसिप्लिन्ड होके दोनों जने बैठ चुके हैं अपने लिए सके डाइनिंग पे बैठ के खाते हैं। डाइनिंग पे बैठ के खाएंगे हम क्या क्या खाएंगे इमी क्या खाएंगे इमी बीबी बीबी नहीं बीबी क्या खाएंगे ओ तूने फुट गया। खाने में फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज बनाऊंगी आलू पराठे। आलू पराठे का कलर बना दिया है मसाला और ये आटा। तो आज बड़े दिनों के बाद कुछ वैरायटी बन रही है, बाकी नहीं तो नॉर्मली रोटी सब्जी यही खाने मिल रहा था। और मेरे को तो क्या पता अच्छा ही नहीं है खाने का, लेकिन आलू गर्मी में खाने के नहीं होते। देखती हूँ मैं खाती हूँ खाती नहीं खाती, मेरे लिए पराठा ही बना दूँगी नॉर्मल रोटी का आटे का। और अभी मैं थोड़ी देर चिकू से बातें क्या करूँ, फोन पर तो बिजी है। चिकू और पापा के लिए तो मैंने आलू पराठा बना दिया, पर मुझे इतनी गर्मी में आलू पराठा खाने की इच्छा नहीं थी। इतना सा था, सिर्फ टेस्ट करने के लिए मैंने लिया और खा भी लिया। और मेरे लिए मैंने प्लेन रोटी बनाई थी, पराठा बना दिया था घी का और नमकीन के साथ खा रही हूँ, क्योंकि ना ही मुझे आलू खाने थे और ना ही आलू का पराठा। बाकी मसाला बचा हुआ उसके साथ खा सकती थी, पर नहीं खाने आलू। अभी ये शॉपिंग कर रही हूँ मैं फाइनल, और यहीं पर कर देती हूँ व्लॉग का एंड, क्योंकि हमको कुछ दिनों बाद जाना है बाहर, तो थोड़ी थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। क्योंकि मेरी जो भी चीज़ें हैं वो मेरी जो भी चीज़ें क्या मेरे जो भी कपड़े वो रोज रोज मैंने पहन के पूरे कर दिए, क्योंकि कब पहले सूट पहनती नहीं थी घर पे, कभी बाहर जाना होता था नए नए लगते थे, अब नए नहीं लगते, अब पुराने लगते हैं। तो शॉपिंग करनी ज़रूरी है, तो अभी कर रही हूँ मैं शॉपिंग और यहीं पर कर देती हूँ व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे व्लॉग में।